आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में हम जानेंगे किस तरीके से मेरे नाना के साथ एक घटना घटी जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, कोहरा चारों ओर छाया हुआ था। सभी लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके निकल रहे थे घर के लिए। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग लोगों के बीच में अमीन का काम करते थे। रोज की तरह उस दिन का काम खत्म होने के बाद नाना घर के लिए गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे साथियों के इससे अलग हो गए। उन्होंने घर की ज़रूरत के सामान को गाड़ी में रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए वहीं रुक जाते हैं। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। जब उनकी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी, ये सब लेकर घर पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर वह उन्होंने क्यों ना जंगल के रास्ते होकर मैं जल्दी से शॉर्टकट के माध्यम से घर पहुँच जाऊँ, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जो जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजबूरी की होगी जो नाराज होकर जंगल में आ गई है। हो सकता है ये किसी मजदूर की पत्नी हो जो किसी कारणवश यहाँ आ गई हो। नाना ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने एक बार फिर पूछा, चलो मेरे घर रहना और सुबह जल्दी आ जाना, ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है, रात भर यहाँ मत रुको। आज मेरे घर पे सभी के लिए खाना बना देना और कल सुबह घर चली आना। उसने जैसे ही ये सुना, वह झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग सब उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई, सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लेना, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था, कहीं चोर तो नहीं रात के सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर का सामान चुरा ले जाए। इससे अच्छा है कि इसको जानबूझकर ही यहाँ पर रखा जाए। लेकिन वह अपने बेटे की बात नहीं टाल सकते थे। उन्होंने उस औरत को देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रख लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई। वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और माता जी वहाँ से चली गईं। लेकिन उसका मन परेशान था। फिर 10 मिनट में रसोरे में उसे देखने गई कि वो क्या कर रही है, उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था और चेहरा देखना तो दूर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने बनाने की तैयारी करो, आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियाँ करने लगीं।
लेकिन साथ ही उसका चेहरा देखने की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना कोशिश करती वो पल्लू उतना ही नीचे खींच लेती। अंत में वो हार कर बोली, देखो मैंने आग लगा दी है, अब आगे का सारा काम तुम्हें ही करना है, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब हो सकता है। अनजान लोगों से डर भी रही थी वो। ये सब सोचकर उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और माताजी वहाँ से निकल गईं। मन अभी भी परेशान था, अभी अपने कमरे में कभी बच्चों के बाहर सबको देख रही थी कि कहीं को अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से चैन से नहीं बैठ पा रही थी वो। अभी 5 मिनट ही हुए थे और उनके घड़ी वो जो पहाड़ सी लग रही थी, समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और माताजी तुरंत रसोड़े की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँचकर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई के घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके पैर जम गए। ना उनसे आगे बढ़ा जा रहा था, ना उनसे पीछे जाया जा रहा था, उनकी हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोरे में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोरे में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था, उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। बाल नाखून सभी बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और वह खुशी खुशी कभी आवाज़ें निकाल रही थी, हूँ हूँ की आवाज़ें पूरी रसोड़े में गूंज रही थी। रसोड़े पिछवाड़े में होने की वजह से कुछ लोगों का ध्यान नहीं इधर आ रहा था। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों का नुकसान ना पहुंच जाए। वो चुड़ैल जो अपने कमरे को घर समझ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, बस भगवान का नाम उनके दिमाग में चला आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो सोच रही थी, कुछ सोच कर उठी और अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी, उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी लापरवाही हुई तो कोई अनहोनी ज़रूर हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुँचना था। और वो चूल्हे के पास पहुँचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला भर लिया और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी, सभी लोग रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूँ हूँ की आवाज़ जोर जोर से निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी, माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे रसोड़े में आग लग चुकी थी और सभी लोग एकत्रित हो गए थे, सभी लोग डर गए थे। लोगों की भीड़ को देखती हुई वो जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे। मन ही मन माता जी ने हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर ऐसी माता माँ नहीं होती तो शायद ऐसे चुड़ैल से पीछा कभी नहीं छूटता। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाओं का सामना होता रहता है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो ज़रूर हमें सफलता मिलती है, क्योंकि हम सभी के साथ बजरंगबली का आशीर्वाद है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप सभी वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, और अगर आप सभी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।